वतन को देखने की आस
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد शाम के हालात और उनके मसाइल का तज़किरा सुनने के लिए आज़ादारों बीबी वो शहजादी है कि जिसे रोने नहीं दिया गया। आज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करने वाले कम नहीं थे, चाहने वाली बहन ज़ैनब और उम्मे कुलसूम थी, प्यारी सी बेटी जनाब सकीना थी, जवान बेटा सैयद सज्जाद था, मगर उन्हें रोने कब दिया गया। जब सकीना रोया करती थी बाबा के ऊपर, कभी तमाचे मारे जाते थे, कभी ताजियाने मारे जाते थे। जब जनाब ज़ैनब गिरिया करती थी अपने भाई के ऊपर, तो ताजियानों से अज़ियत दी जाती थी। अज़ुकुम अल्लाह, लो आज़ादारों, जनाब सकीना सलामुल्लाहि अलैहा अपने बाबा का गम लेकर इस दुनिया से गुजर गई, मगर आज़ादारों कुछ जुमले में जनाब सकीना के मसाइब के आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। कौन थी सकीना के जिसे इमाम हुसैन अपने सीने के ऊपर सुलाकर आराम महसूस किया करते थे, सुकून महसूस किया करते थे। आखिरी वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलविदा करके जा रहे थे, घोड़े के ऊपर सवार हुए, कहा ऐ अस्पे वफा, मुझे आखिर मेरी मक्तलगाह की तरफ पहुंचा दे, लेकिन घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। आप सुनते हैं ना, जनाबे सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई थी, घोड़े ने इशारा किया, मौला मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरे कदमों से लिपटी हुई नन्ही सकीना जो है। अज़रुकुम अल्लाह, हुसैन घोड़े से जमीन पर, बेटी हम तो आपसे रुखसत हो चुके थे ना, फिर आप क्यों चली आई हो। जनाब सकीना कहती हैं, बाबा जान मुझे आपके सीने पर सोने की आदत है। मौला कहते हैं, ऐ सकीना आज से कानून बदल जाएगा, देख बेटी आज से तू अपनी माँ के सीने पर सो जाया करना। सकीना कहती है, बाबा मगर माँ के सीने पर तो अली अकबर होता है ना। तो एक मरतबा हुसैन कहते हैं, बेटी आज से कानून बदल जाएगा, अकबर मेरे सीने पर सोएगा, तू अपनी माँ के सीने पर सो जाना। अज़रुकुम अल्लाह, शहजादी ने कहा ठीक है बाबा, मैं सो जाया करूंगी। हुसैन रुखसत हो गए, और उसके बाद अगली मुलाकात सकीना की बाबा से कैसे हुई जानते हो आज़ादारों? अगली मुलाकात अपने बाबा से सकीना से जैसे हुई ना, अल्लाह किसी बच्ची को वो मंजर ना दिखाए, ऐसे किसी के बाप को ना मिलाए। जब बाबा गया था तो सीने पर सोकर रुखसत किया था, मगर आखिरी वक्त आया। अरे आज़ादारों, असरे असरे आशूर हो गई, सकीना अपने बाबा को याद कर रही है, दोनों हाथों को बारगाह खुदावंद आलम में उठा रखा है, आंखों को बंद किया हुआ
नहीं हुआ, मैंने मुसल्ला इबादत बिछाया हो और मेरा बाबा ना आया हो, परवरदिगार आज क्या हो गया, मेरा बाबा क्यों नहीं आता। आंखें बंद है बच्ची की, एक मरतबा महसूस किया कि किसी ने आगे आकर खड़ा हुआ, कोई शख्स आगे आकर खड़ा हुआ। अब जो सकीना ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि एक मलऊन सामने खड़ा हुआ है, मुस्कुरा भी रहा है, कह रहा है सकीना किसे याद कर रही थी, अपने बाबा को याद कर रही थी, हुसैन को याद कर रही थी, तेरा बाबा क्यों नहीं आया। ले सकीना तेरा बाबा आ गया, ले सकीना तेरा बाबा आ गया। और ये कहकर उस मलून ने सकीना की तरफ उसके बाबा का कटा हुआ सा बाबा से लिपटी हुई फरियाद कर रही थी, हुक्म हुआ कि खैमों को आग लगा दी जाए, तबर्रुकात को लूट लिया जाए। लोअदारो तबर्रुकात इज्जत को लूटा जाने लगा, चादरें छीनी जाने लगी, जेवरात को उतारा जाने लगा। अब जनाबे सकीना, बीबी सकीना छोटी सी है ना, कम सी है ना, एक मरतबा घबरा कर मैदान करबला की तरफ दौड़ती है और ये चाहती है कि किसी तरह से कोई जालिम मुझ तक ना पहुंचने पाए। हजरतारो शिवर मलगून ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है कि जो मैदान की तरफ जा रही है, जो मैदान की तरफ जा रही है। एक मरतबा शिवर मलगून अपने घोड़े पर सवार होकर बीवी के पीछे घोड़े को दौड़ाता है और हजरतारो क्या समझते हैं आप कि जनाबे सकीना को ना पकड़ा होगा। हजरतारो चूंकि घोड़े पर सवार था नन्ही सी सकीना कहां तक दौड़ती, मगर एक वक्त वो आया कि बीबी अपने बाबा के लाशे पर पहुंच गई और एक मर्तबा जाकर खुद को लाशे इमाम पर गिरा दिया। अदादारो इमाम हुसैन ने एक मर्तबा जनाबे सकीना को अपनी आगोश में ले लिया। अदादारो शिमर मलऊन पहुंच गया, शिमर मलऊन उसी जगह पर पहुंच गया। लो अदादारो आप क्या समझे कि यहाँ पर एक बच्ची को उसके बाबा की आगोश में देखकर क्या शिमर मलऊन ने वो सितम ना किया होगा। अदादारो ऐसा ना हुआ, शिमर मलऊन को रहम नहीं आया, नीचे उतरा और एक मर्तबा जनाबे सकीना के बूंदे को हाथ में लिया और इस जोर से झटका मारा कि जनाबे सकीना के कानों की रवें फट गई, खून जारी हो गया। अदादारो बाप के सीने पर सकीना ने शामे गरीबा का मंजर, चारों तरफ कोहराम, रोने की आवाजें, खैमे जल चुके, बीवियां उजड़ चुकी, चादरें छिन चुकी। अदादारो रात का वक्त आया, बीवी जैनब ने अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहा, ऐ माजाई अरे बच्चों को शुमार कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मैदान की तरफ चले गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे यहाँ से घबरा कर कहीं दूर भाग गए हो। अदादारो बच्चों को शुमार किया गया, कुछ बच्चे नहीं थे, तीन बच्चियां नहीं थी, जिसमें जनाबे सकीना थी और जनाबे मुस्लिम की दो बेटियां थी। अदादारो ढूंढा गया, दो बच्चों की लाशें मिल गई, लाशें उठाकर लाकर रख दी। अदादारो उसके बाद जनाबे सकीना को तलाश किया गया तो एक मरतबा जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना को आवाजें देती जा रही थी, ऐना ऐना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो, मुझे आवाज दो बेटी। और एक नशेब से आवाज आई, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अरे मेरी सकीना मेरे सीने पर सो गई है, थककर सो गई है मेरी सकीना। अदादारो ज़ैनब सकीना को उठाया गया और एक सवाल किया,
जनाब जैनब ने बेटी सकीना इतना तो बता तूने अपने बाबा के लाशी को पहचाना कैसे है। हजरदार लम्हा फिक्रिया है ना बेटी तूने अपने बाबा के लाशी को पहचाना कैसे है, क्योंकि लाशा दो तरीके से पहचाना जाता है, किसी को पहचानने के लिए या तो उसके जिस्म पर लिबास होना चाहिए जिससे लाशा पहचाना जा सकता है, या कम से कम उसके जिस्म के ऊपर सर होना चाहिए। मगर तेरे बाबा के लाशे पर ना लिबास है ना सर है, तूने पहचाना कैसे? क्या मैं अम्मा मैं आवाज देती आ रही थी, ए बाबा यहाँ से आवाज आई, ए मेरी सकीना मेरे पास आ जा। अजूब मरल्ला सकीना आज तो तुझे अपने बाबा का सीना मयसर हो गया, मगर जिंदा निशा पे रोती रहेगी, मगर तेरे बाबा का सीना नसीब नहीं होगा। अदादारो ये जिंदा निशान आका मरहला है, जिंदा निशान में जनाबे सकीना अपने बाबा को बहुत रोती है। सुबह शाम बाबा पर गिरिया, ए बाबा तुम कहाँ चले गए बाबा, हमारे ऊपर बहुत जुल्म सितम हुआ बाबा, बहुत गिरिया किया बहुत फरियाद की। मख्तल लिखता है कि जनाबे सकीना चूंकि वो जिंदान एक टूटा हुआ मकान था, उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, ऊपर छत नहीं थी, एक जगह वहां से टूटी हुई थी, जनाबे सकीना वहां पर जाकर बैठ जाया करती थी और वहां पर अपना मुंह लगाकर देखा करती थी बाहर का मंजर। कभी कभी बाहर उड़ते हुए परिंदे नजर आया करते थे, तो जनाबे सकीना यही सवाल क्या करती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, बेटी ये अपने आशियानों पे जा रहे हैं, फूफी अम्मा हमें घर कब जाना नसीब होगा। अजदारो ये तमन्ना है जनाबे सकीना की कि हमें वापस मदीना भेज दिया जाए। अजदारो यही मरहला है, जनाबे सकीना उस जगह पर आती है, बाहर का नजारा करती है, तो शाम के कुछ छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बच्चियां वहां पर आती हैं, जनाबे सकीना से बातें करती हैं, बच्ची तुम कौन हो? मैं सकीना हूँ। तुम्हारे बाबा कौन है? कहा मेरा बाबा हुसैन इब्न अली है। बच्ची तुम पर क्या जुल्म हुए? बच्ची बताती थी मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया, मेरे चचा को कत्ल कर दिया गया, हमारे सारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, हमारा भरा घर उजाड़ दिया गया, हमें कैदी बना लिया गया, हमें जिंदा में डाल दिया गया। ये बच्ची यहाँ पर हमेशा बैठती थी और बच्चे आकर उसे बातें करते थे। एक वक्त वो आया कि ये बच्चे शाम के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां उसी जगह पर आकर खड़े हुए, देखा कि आज वो सकीना नहीं है, आज वो बच्ची नहीं है, आज वो बच्ची नजर नहीं आती। बच्चों ने उस जगह से आवाज देकर पूछा कि आज वो बच्ची कहाँ चली गई जिससे हम रोज बातें किया करते थे। उधर से जनाबे सैयद सज्जाद की आवाज आई, ए बच्चों अब ना आना, अरे सकीना को अभी मैं कब्र में बिठाकर अरे कब्र के हवाले करके आ रहा हूँ। सकीना अपने बाबा के पास पहुंच गई, अरे जो बाबा को याद किया करती थी जिंदा निशान में अपने बाबा को याद कर करके, अरे दुनिया से गुजर गई। सैयद सज्जाद ने अपनी बहन को अरे जिंदान में कब्र खोद के दफनाया। अल्लाहदारो सैयद सज्जाद अरे कफन नहीं था बच्ची को उसके कब्र में, अरे उसी के लिबास के साथ दफन किया गया। अजादारो ये मुसीबत अरे बाबा ये जुल्म और सितम अहले हरम पर मुसीबतें हैं जो पीछा नहीं छोड़ा। अला लअनतुल्लाह अलल ज़ालिमीन व सयालुल लज़ीना सलमू अय्यामुल अबीन।
Thank you.
Oh,
चलो कर्बला वाले भाई
जब से फलक पर 1446 हिजरी का ये चांद नमूदार हुआ है, आप हजरात वा हुसैना वा आलिया की सदाओं के साथ फर्श गम पर, फर्श मजलिस पर, फर्श अज़ा पर तशरीफ ला रहे हैं। मुसलसल जब से चांद निकला है, आप सैयदा के लाल पर गिरिया कर रहे हैं, सैयदा को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, आज रबीउल अव्वल की 4 तारीख गुजर चुकी है,
मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि रोते रोते थक गए? नहीं जाने ग्रामी कदर, रोने ही के लिए तो आपने जुलूस हमारी का इनकार किया है। आप रोने ही के लिए इस वक्त अपने घरों को छोड़कर इस फर्श अज़ा पर जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर भाई, हमने और आपने सिर्फ करबला को सुना है। हमने सुना है कि 7 मुहर्रम में खैमे हुसैनी में पानी खत्म हो गया। हमने सुना है कि छोटे छोटे हुसैन के बच्चे सदाए लतश लतश बुलंद कर रहे थे। हमने सुना है अली असगर का प्यास से आलम ऐसा था कि जैसे मछली बगैर पानी के कभी मुंह को खोलती है कभी मुंह को बंद कर देती है। हमने और आपने सुना है कि खयामे हुसैनी में पानी खत्म हो गया था। हमने और आपने सुना है कि सुबह से हुसैन लाशें उठाते रहे। हमने और आपने सुना है हुसैन हर लाशों पे कहता रहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने और आपने सुना है कि हुसैन ने एक दिन में 71 मरतबा ये चुगला पढ़ा। जब हबीब का लाशा उठाया इन्ना लिल्लाह, मुस्लिम का लाशा उठाया इन्ना लिल्लाह, हुर का लाशा उठाया इन्ना लिल्लाह, अली अकबर का लाशा उठाया इन्ना लिल्लाह, आए गरीब जहरा एक दिन में 71 मरतबा आवाज लगाता रहा इन्ना लिल्लाह। अजर कबल अल्लाह, बाबा से बुलंद गिरिया कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। आप करबला में आए हैं हुसैन पर गिरिया करने के लिए। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, अलविदाई दिन चल रहे हैं ना। अरे बीबियों को रुसत कह दो, अब जो अगले बरस बचेगा वो हुसैन पर रोएगा और जो चला जाएगा तो सलाम हाजिर पेश करो ना, हाथों को जोड़ कर कहो बीबियों खुदा हाफिज। अरे जैसे मातम करना चाहिए था वैसे मातब नहीं कर पाए हैं, जैसे नोहा करना चाहिए था वैसे नोहा नहीं कर पाए हैं, जैसा गिरिया करना चाहिए था वैसे गिरिया नहीं कर पाए हैं। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, मुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है, मुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, बचे तो अगले बरस हम है ये गंभीर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम है। मौला इन अज़ादारों को माफ कर देना अगर रोने में कोई कमी रह गई हो, इनसे गिरिए में कोई कमी हो गई हो। मौला आप हमारे घरों में आए थे, हमारे महलों में आए थे, मौला रौनकें लेके आए थे, लेकिन मौला आप जा रहे हैं, हमारे महले उजड़ जाएंगे, हमारे दिल खाली हुए चले जा रहे हैं। बीबी आप आई थी घरों में रौनकें लेकर, हमारे महलों में रौनकें लेकर, लेकिन बीबी आ जा रही है खुदा हाफिज़। अल्लाह रखे बीबी ज़ैनब अलविदा, बीबी रुकैया अलविदा, बीबी सकीना अलविदा, लेकिन बीबियों जाते जाते वादा करते जाना अगले बरस हमारे घर जरूर आना। हम पता करो, अगर रोना नहीं आ रहा है सर को झुका दो, सर को झुका के कहो हुसैन रोने की भीख दे दे। ए बीबी सिद्दीका ताहिरा, मैंने रवायतों में पढ़ा है बीबी आती है रुमाल लेकर, लेकिन बीबी का आलम क्या है? बीबी की कलाई टूटी है, बीबी की बसलियां टूटी है। अल्लाह जाने कौन से हाथ में रुमाल होता होगा, कौन सा हाथ पसलियों पर होता होगा। पसली में हाथ रख रख के रुमाल पहला पहला के कहती है ए सरदार, ये तेरी आंख के आंसू नहीं मेरे जख्मी हुसैन का मरहम। सैयदा का रुमाल खाली जाने ना पाए, जहरा का रुमाल खाली जाने ना पाए। अजीजों हमने और आपने सुना है कि अब्बास के बाजू कलम हो गए। हमने और आपने सुना है अली अकबर के सीने में सेना टूट गई। हमने और आपने सुना है अली असगर के गले पे जो तीर लगा था, गला छोटा था तीर बड़ा था। हमने और आपने सुना है कि हुसैन ने चेहरे पर हूं को मल लिया था। हमने और आपने सुना है कि हुसैन का लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया था। हमने और आपने सुना है शहादत के बाद खैमे जला दिए गए थे।
हमने आपने सुना है कि सकीना की बालियां छीनी गई थी, हमने आपने सुना है सकीना ने तमाचे खाए हैं, हमने आपने सुना है सकीना ने ताजियाने खाए हैं। अरे सुन के इतना रो रहे हैं तो कोई ज़ैनब कुबरा के दिल से पूछे, कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे, एक सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियां। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम शादो आबाद रहो। मैं बीबी सकीना का तस्करा करूंगा ना, दामन मुराद को फैला लेना, गाजी अब्बास का आलम लगा हुआ है, भीख मांग लेना, इसलिए कि गाजी को अगर सकीना का वास्ता दो तो गाजी कभी खाली नहीं लौटाता है। जिसकी जो मुराद हो, अरे भीख बट रही है, अरे बगैर बाजुओं के अता करने वाले तुझे सकीना का वास्ता। अजर को अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम है करबला के। हाँ अजीजो, कोई ज़ैनब कुबरा से पूछे ना कि ज़ैनब कुबरा ने करबला के मैदान में सारा मंजर देखा, कैसे बर्दाश्त किया होगा। रिवायतें कहती है, मैं मुख्तसर करूँ मसाइब को, रिवायत ये कहती है कि जब ये काफिला शाम में पहुँचा है, यज़ीद मलून शराब के नशे में है, तख्त पर बैठा हुआ है, आले हरम अहले हरम असीरों का काफिला, रसूल की बेटियाँ अली की बेटियाँ सैयदा की बेटियां सरबरेना है, फर्श पर जमीन पर बैठी हुई है, वो मलून अर्श पे वो मलून तख्त पर बैठा था, ज़ैनब कुलसुम फर्श पर बैठी थी। एक मर्तबा यजीद मलून कहता है, शिम्र बता तूने करबला के मैदान में क्या किया। शिम्र कहता है, सुनोगे अजीजों, एहसास वालों, औलाद वालों, अल्लाह तुम्हारे घर सलामत रहे, अल्लाह किसी का घर ऐसे न उजड़े जैसे सैयदा का घर एक दोपहरी में उजड़ गया। मैंने जुमला कह दिया, घर बसाने के लिए सालों गुजर जाते हैं। अरे जिस घर को, जिस हुसैन को चक्कियां पीस पीस कर जहरा ने पाला था, अल्लाह एक दोपहर में सैयदा का रसूल का पूरा चमन उजड़ गया है। शिम्र बता कि तूने करबला में क्या किया। शिम्र कहता है, हमने करबला के मैदान में बड़े बड़े सरदारों को मारा, हमने हुर को मारा, हमने मुस्लिम इब्ने औसजा को मारा, हमने हबीब इब्ने मजाहिर को मारा, हमने जोहरतैन को मारा, हमने अब्बास के बाजू काटे हैं, हमने अली अकबर के सीने में सेना तोड़ी। और वो अजीब जुमला कहता है, कहता हुसैन दिल पर दिल बांध कर आए थे, हम हुसैन के एक दिल को काटते थे कि दूसरा दिल जवान हो जाता था, फिर हुसैन मुस्तल में आते थे, फिर एक दिल को काटते थे। कहता है कि हमने अब्बास के बाजू काटे, हमने कासिम का लाशा पामाल कर दिया, हमने अली अकबर के सीने में सेना तोड़ दी, हमने ओनो मोहम्मद को मार दिया, आखिर में हमने हुसैन को घेर के मारा। जैसे ही ये जुमला उसने कहना कि हमने हुसैन को घेर कर मारा, अब ज़ैनब से रहा नहीं गया। ज़ैनब के उसको कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब ए झूठे झूठे की औलाद खामोश हो जा, मेरे भाई को इतनी आसानी से नहीं मारा है, मेरे भाई ने भी वो जंग की है, ऐसी लड़ाई लड़ी है कि कूफे के हर घर में सब मातम बिछा दिया। अजरकुम अल्लाह, अजीज सुनोगे, रिवायत कहती है कि जैसे यजीद मलून ने ये सुना ना कि बीबियों में से एक जुमला है, बीबी ने कहा, यजीद मलून कहता है ये बीबी कौन है, ये बीबी कौन है। किसी ने बढ़ के कहा, ये अली की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह जाने कैसे सुनोगे, अल्लाह जाने कैसे सुनोगे। तमाचे मारना, अगर फुरसे के लिए आए हो, रोने के लिए आए हो, दिल में अगर दर्द है, अल्लाह 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 तुम्हारे घर सलामत रहे, अल्लाह अल्लाह तुम्हारी बहने सलामत रहे। किसी की बहन ऐसे दरबार में ना हो जैसे अब्बास की बहन ज़ैनब, जैसे हुसैन की बहन ज़ैनब। अल्लाह हु अकबर, अजरकुम अल्लाह, कयामत का जुमला है। रवायत ये कहती है, यज़ीद मलून कहता है, हम ज़ैनब से बात करना चाहते हैं। अजीज, रवायत पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारा मजमा अगर महसूस किया तो घरों तक रोते हुए जाओगे। रिवायत ये कहती है कि एक मर्तबा कहता है, अली की बेटी से बात करना चाहते हैं। लीजिए, एक मर्तबा अली की बेटी झुरबट में बैठी हुई है, तमाम बीबियों को हटा दिया गया, लेकिन फिजा है कि आगे से हटती नहीं है। यजीद ने कहा, शिम्र ज़ैफा को सामने से हटा दे। लीजिए, शिम्र ने ताजियाना निकाला। एक मर्तबा करीब आता है, चाहता है कि फिजा को ताजियाना लगा के हटाए। एक मर्तबा फिजा ने कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है,
ये तुम्हारे कबीले को कबीले की औरत को ताजियाना लगाना चाहता है और तुम खड़े हुए देख रहे हो। सब गुलामों ने तलवारों को निकाला, यजीद के सामने आके कहा, यजीद शिमर को रोक ले वरना भी दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। अल्लाह अकबर। यजीद ने शिमर को रोका, अरे ताजियाना भी विज्जा को ना लगाना। अरे हाय ज़ैनब तड़प गई, नजर करो करके कहती है, बाबा कभी इसके जाने वाले दरबार में इतने, लेकिन तेरी बेटी का कोई जाने वाला नहीं। कोई एक निकल कर ना आया कि ये अली की बेटी है, ये सैयदा की बेटी है। जज़ाकल्ला। सुनो के अजीज़ो, रिवायतों के अजीब जुमले हैं। हाँ अजीज़ो, एक मर्तबा यजीद मलून कहता है कि बयान करो कि तुमने करबला के मैदान में क्या देखा। सबसे बड़ी मुसीबत सीने में दिल है, दिल में दर्द है, दर्द में अगर हुसैन बसता है ना तो फिर ये जुमला दिलों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। रिवायत के अजीब जुमले हैं। एक मर्तबा यजीद मलून जनाब ज़ैनब से पूछता है कि तुमने करबला के मैदान में सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी, करबला के मैदान में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। यजीद ये सोच रहा था ज़ैनब अभी बयान करेगी, अब्बास के बाजू का कट जाना, कासिम के लाशे का पामाल हो जाना, अली अकबर के सीने में सेना कलक जाना, अली अजहर के गले पे तीर कलक जाना। ज़ैनब ये बयान करेगी कि मेरे भैया का लाशा तीरों पर मुअल्लक हो जाना। लेकिन अजीजो, ज़ैनब ने कोई 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 मसाइब बयान नहीं किए। ज़ैनब ने ये नहीं कहा मेरे भाई का लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया था, मेरा जवान अली अकबर मारा गया, मेरा कासिम पामाल हो गया, मेरे अब्बास के बाजू कट गए, बल्कि एहसास वाला भी नहीं। देखो मेरी जानिब देखो, अजीब जुमला कहा कि ज़ैनब कहती है इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी कि अली की बेटी और तुझ जैसे शराबी से बात कर रही है। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि अली की बेटी तुझ जैसे शराबी से कलाम कर रही है। अल्लाह अकबर। हमने और आपने सुना तब इतना रो रहे हैं। हाँ कोई सैयद सज्जाद से पूछो ना, मेरे मौला से पूछा गया, मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी है। मेरा मौला तड़प कर कहता था, अश्याम अश्याम अश्याम, मौला शाम में क्या गुजर गया, कहा वो जिंदान शाम, वो बाजार शाम, वो दरबार शाम, दरबार में क्या गुजर गई। का मेरी चार बरस की सकीना इम्तिहान दे रही थी। अल्लाह अकबर। एक जुमला पढ़ूंगा। कल रात मक्तल पढ़ रहा था, गालिबन मक्तल मक्तल मुकर्रम या मक्तल हुसैन का एक अजीब जुमला है। आप सबने सुना है ना, यजीद मलून के हाथ में छड़ी थी और दंदा ने मुबारक हजरत गरीबे करबला पे मार रहा था ना, तो अजीज जुमला उसका जो मैंने मक्तल में पढ़ा, आज तो बहुत देर तक रोगे अजीज, तो छड़ी मार नहीं रहा था, उसने मौला हुसैन के दांतों पर छड़ी मारी और एक जुमला कहा, सर को देख के कहता है हुसैन बताओ छड़ी की जर्ब कैसी लगी। अल्लाह जर्ब कैसी लगी हुसैन, जर्ब कैसी लगी। अल्लाह अकबर। मेरी सकीना इम्तिहान दे रही थी। एक मर्तबा कहता है मैंने सुना है हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची भी आई है। हाँ हाँ लीजिए, सकीना को आगे लाया गया। सकीना से मलून कहता है कि अपने बाबा से मिलेगी, कब क्यों ना मिलूंगी। अल्लाह अकबर। बस एक मर्तबा उसने तश पर जो कपड़ा पड़ा हुआ था कपड़े को हटा दिया, हुसैन का कटा हुआ सर। अल्लाह किसी बच्ची को वो मंजर ना दिखाए जो सकीना ने मंजर देखा है। हाँ अजीजों, क्या चार बरस की बच्ची इसीलिए होती है कि बाप का कटा हुआ सर देखे। अल्लाह अकबर। लेकिन सकीना ने देखा है। अब जिस जिस की बच्चियां हैं, जिस जिस की बेटियां हैं, तुम्हारी पोतियां होंगी, तुम्हारी नवासियां होंगी, तुम्हारी बेटियां होंगी, नहीं बेटी नहीं पोती नहीं नवासी, छोटी छोटी बहने होंगी ना, जरा सोचो अपने बच्चों पर तसव्वुर करो। आए सकीना जैसे ही बाबा का कटा सर देखा, फौरन सर की जानिब चलने लगी कि एक मर्तबा यजीद के कन्ना बच्ची वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा। सकीना वहीं बैठ गई कि मैं तो तब मानूंगा कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था जब ये सर तश से उठे तेरी गोद में आ जाए। अरे सकीना बैठी है, अहले हरम बैठे हुए हैं, सकीना ने
जला हुआ दामन बहलाया और एक जुमला कहा, ओ मेरे बाबा सालिम का दरबार तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा मेरी गोद में आ गया। अरे सारे मजलू में करबला वाला दुआ, सकीना की गोद में आया, सकीना ने मुंह पर मुंह रख दिया, बाबा आपके बाद नमाज़ है। अल्लाह जाने किसके पहलू में अली अकबर है, किसके पहलू में कासिम है, किसके पहलू में आला मोहम्मद है। हाँ अजीज, चार बरस की बच्ची भी आती है ना, पूछती है ये कौन है, ये तेरे बाबा के अजादार है। रो के कहती है, काश ये करबला के मैदान में होते, मेरा अली असगर प्यासा ना मारा जाता। अजीज रिवायत सुनोगे थोड़ी देर के लिए, रुकता हूँ, एक जुमला सुनिए। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, जब मजलिस से अजा होती है, फर्श अजा बिछ जाती है, बीबी सिद्दीका ताहिरा के रोने वाले के करीब रुमाल फैला के कहती, तेरे आंसू नहीं मेरे जख्मी हुसैन का मरहम है। और जिसे जब सारे अजादार रो के चले जाते हैं ना, सैयदा जहरा सर से रिदा को उतारती है, फर्श अजा पे बिछा देती है, हाथों को बुलंद करके कहती है, महमूद मेरे हुसैन के रोने वालों को सलामत रखना, मेरे हुसैन के रोने वालों को सलामत रखना, इनके बच्चे सलामत रहे, इनका घर सलामत रहे, इनका खानदान सलामत रहे। अरे जिसका खानदान करबला के जल्दी रेती पर बिगड़ गया, वो तुम्हें सलामती की दुआ दे जाती है। अजर खुबल अल्लाह, अल्लाह कोई कम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अजीजो, रवायतों के जुमले ये हैं कि मेरा मौला सैयद सज्जाद इमाम मजलूम साबिर इमाम मेरा कहता है, अश्शाम दरबारे शाम, जिंदाने शाम, बाजारे शाम। अजीजो जब मिनहाल ने सवाल किया, एहसास वालों, औलाद वालों, हाँ अजीजो रिहाई मिली है ना, रिहाई के कई असबाब लिखे हैं, मैं थोड़ी सी देर के लिए, आप रोएंगे, तड़प के रोएंगे इंशाल्लाह अगर आपने महसूस कर लिया। रिवायत ये कहती है कि रिहाई के बहुत सारे असबाब लिखे हैं, लेकिन अजीजो एक सबब बताओ, रिहाई का एक सबब क्या था? रिहाई का एक सबब जो उलमा ने लिखा है कि जिंदान में सकीना का मर जाना। मैंने जुमला पढ़ दिया, मैंने बहुत तेजी से जुमला पढ़ दिया कि रिहाई का एक सबब था सकीना का जिंदान में मर जाना, कि जब सकीना जिंदान में मर गई ना तो अहले अरब को रिहाई मिली। अरे बाशरत के जिंदान में सकीना रहेगी, लेकिन पूरा घर आजाद हो गया। अजर कबल अल्लाह, रवायत कहती है मिनाल ने पूछा, मौला सज्जाद अरे जवानी में कैसे बूढ़े हो गए, मौला जवानी में कैसे बूढ़े हो गए। मौला ने कहा, मिनाल मेरी सकीना के सवालों ने सज्जाद को बूढ़ा कर दिया। कह लगे, मौला सकीना के सवालात ने, सकीना के सवालात ने कहा, वो मजलूमियत थी, वो मासूमियत थी, वो मजलूमियत थी, वो मासूमियत थी सकीना के सवालात में, कि सज्जाद बूढ़ा हो गया। अल्लाह हू अकबर, का मौला कैसे सवालात का, जब सुबह होती थी सवाल करती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता था तलाश रिश्त में जा रहे हैं, शाम को फिर पूछती थी अब कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता था घर जा रहे हैं, सुबह शाम पूछा करती थी और कहा करती थी कि हमें मदीने जाना नसीब ना होगा, क्या हम मदीने न जाएंगे, क्या हमें मदीने जाना न मिलेगा। अरे जो सुबह शाम मदीना मदीना करती थी, वो सकीना जिंदान शाम में सो गई। रवायतों के अजीब जुमले हैं, मकातिल ने लिखा कि एक शब को सकीना को हल्की सी नींद आई, बाबा को ख्वाब में देखा कि बाबा हुसैन आए हैं। मकातिल ने ख्वाब भी लिखा है, पहले सकीना ने ख्वाब में देखा अमारियां उतर रही है, अमारियों में से बीबियां उतर रही हैं, एक बीबी एक अमारी से हव्वा उतरी, मरियम उतरी, सारा उतरी और आखिर में सैयदा जहरा उतरी है। जैसे ही ख्वाब में दादी को देखा ना, बस सकीना लिपट कर कहती है, दादी मेरा घर उजड़ गया, दादी मेरा बाबा मारा गया, दादी मेरा चचा पास। अजरकुम अल्लाह। हां अजीजो,
اب روایت کہتی ہے بابا حسین کو خواب میں دیکھا جب عزیز سکینہ بیدار ہوئی تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے بابا حسین اے میرے بابا حسین اے میرے بابا حسین میرے بابا کہاں ہو میرے بابا کہاں ابھی آئے تھے نا لینے کے لیے اہل حرم نے سمجھایا بیٹا تم نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں ابھی میرا بابا آیا تھا مجھے کہہ رہا تھا سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں میرا بابا کہاں ہے ایک مرتبہ لیجیے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی تسلی کے لیے زندان میں آیا جیسے ہی سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا منہ کو منہ رکھ دیا کہ بابا بھی تو آئے تھے یہ گردن کو کس نے جدا کر دیا بابا بھی تو آئے تھے یہ ریش مبارک کو خون سے کس نے خضاب کر دیا بابا بھی تو آئے تھے چہرے پہ خون نہیں تھا پہن کرتے کرتے وہ جو صبح شام مدینہ مدینہ کرتی تھی وہ سکینہ سو گئی سید سجاد نے نرد پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ پڑا انا للہ وانا الیہ راجعون پھوپھی اماں میری بہنہ اس دنیا سے چلی گئی لیجی غسل آئی تختہ غسل پہ لٹایا گیا تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی ایک مرتبہ باہر نکل آئی جناب سید سجاد نے سوال کیا غسالہ کیا بات ہے کیوں نوحہ گریں کر رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیوں چیخ رہی ہے غسالہ کہتی ہے اے سید سجاد یہ بتاؤ تمہاری بہن سکینہ بیمار تھی کیا کہ نہیں نہیں بیمار نہیں تھی کہ پھر ایسا سوال کیوں کر رہی ہو کہ اس لیے پوچھ رہی ہو کہ جب میں چاہتی ہوں ڈر دے گئے جب میں چاہتی ہوں سکینہ کا لباس سکینہ کے بدن سے الگ کرو ارے سکینہ کی چمڑی ادھڑنے لگتی ہے اے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے اتنے قادیانے گئے کہ زخموں میں کرتا ڈرایا اجرکم اللہ سکینہ زندان میں مر گئی سکینہ زندان میں رہ گئی روایت یہ کہتی ہے کہ جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی لیجیے سکینہ کو ایک ننی سی قبر میں سید سجاد نے رکھا دو ہاتھ نمودار ہوئے اللہ ابھی نے بیمار میری امانت کو واپس کر دے مولا نے گریہ شروع کیا بابا امانت چھوڑ کر گئے تھے تماچوں کے نشان نہیں تھے بابا کان کے لبے زخمی نہیں تھی بابا پشت پہ تازیانوں کے نشان نہیں تھے عزیزوں 200 سال پہلے کا واقعہ ہے جب سید ابراہیم نے قبر کو کھولا ہے نا پانی آ گیا تھا تو صرف چہرے پہ سے کپڑا ہٹ گیا تھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کے چہرے پر آج بھی نیلے نشان موجود ہے آج سکینہ کا رخسار آج بھی نیلا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کو رہائی مل گئی جب سید سجاد کو رہائی ملی ہے اہل حرم کو رہائی ملی ہے لیجیے کہتے ہیں کہ ماتم شروع ہو گیا شام میں 7 دن تک حسین کا ماتم ہوتا رہا اور جب 7 دن ماتم ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے اماریاں بھیجی جو رنگ برنگی اماریاں تھیں اماریوں کے جلوس میں آئے ہو نا خالی اماریاں دیکھ رہے ہو نا ہر ہماری پہ نام لکھا ہوا ہے نا اب روتے جانا دعا کرتے جانا میں آخری مراحل میں ہوں اس روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رنگ برنگی ہماری جو جناب زینب نے دیکھی تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں زینب بیٹا سجاد یزید سے کہو ہم یہاں سے آباد نہیں جا رہے ہیں ہم تو اجڑ کے جا رہے ہیں یہ رنگ برنگی ہماریاں نہیں بلکہ کالی ہماریاں بھیج دے کالے پرچم لگے ہوں کالے پردے لگے ہوں اللہ اکبر کالی ہماریاں آ گئی کالے پرچم آ گئے کالے پردے لگے ہوئے آ گئے لیجیے ایک مرتبہ بیویاں پہنچی ہیں خراب ہے شام میں زندان ہے شام میں اب عزیز سنو گے احساس والو اولاد والو میری جانب دیکھو روایت کہتی ہے ایک ایک بیوی آئی ہے قبر سکینہ پر رخصت کے لیے اور ہر بیوی نے الگ الگ جملہ کہا کوئی بیوی بیٹھ کے کہتی ہے بیٹا سکینہ چلو نا زندان کھل گیا کسی نے کہا بیٹا چلو نا اب ہم قیدی نہیں ہیں کسی نے کہا بیٹا چلو نا اب کوئی تماچا نہیں مارے گا اے کوئی کہتا ہے بیوی چلو نا تمہیں اب بالوں سے پردہ نہیں کرنا ہے ہمیں ردائے مل گئی عزیزو اب ایک بیوی کا جملہ احساس والو اولاد والو بیوی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے سکینہ اب جو سفر ہوگا نا اس میں کوئی چھت سے پتھر نہیں مارے گا جلدی ہوئی لکڑی نہیں
اجركم اللہ 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 کوئی غم نہ دے خوب پرسا دے رہے ہو بابا سے بلند پرسا دو ایسے رویا کرو کہ جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہیں مولا امام زمان کو تمہاری آوازیں پسند ہیں مولا نے فرمایا ابو بصیر تم روئے نہیں کہ مولا بولا رومال تر ہو گیا کہ نہیں ابو بصیر ایسے نہیں روتے ایسے روتے ہیں کہ جیسے جوان کے لاشے پہ ضعیف ماں روتی ہے اب یہاں سے تڑپیے گا اس لیے کہ جملہ ایک ہے لیکن قیامت کا جملہ ہے روایت کہتی ہے میرا مولا سید سجاد آیا تعویذ قبر پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا سکینہ روز صبح شام کہتی دینا مدینہ 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 چلو نا بہنا چلو نا بہنا بہنا چلو ہمیں رہائی مل گئی قبر لرزنے لگی آواز آئی بھیا سجاد خدا بہت رو گے عزیزو روایتوں نے عجیب جملے لکھے روایتیں کہتی ہیں امام سید سجاد رخصت ہو گئے جناب زینب نے تمام بیویوں کو سوار کرا دیا لیکن ایک بیوی ہے کہ جو قبر سے اٹھتی نہیں ہے جو قبر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کون ہے کہ یہ وہی دل جلی مار نباب ہے کہ جس کی مانگ بھی اجڑ گئی جس کی گودی بھی اجڑ گئی ارے حضرت رباب سے بھیک مانگو اے بی بی رباب تجھے علی اصغر کے گلے جھولے کی لکڑیوں کا واسطہ مانگو بھیک مانگو یہ ہماری رکھی ہوئی ہے علم سجے ہوئے ہیں ہماری یہ گہوارا رکھا ہوا ہے یہ علم حضرت عباس ہے بھیک مانگتے جانا ہاں عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی کبھی بھی چلیے بھابھی چلیے بیوی چلیے بھابھی چلیے آپ جائیے آپ کو مدینہ مبارک ہو میں مدینہ نام گی اللہ اکبر کبھی بھی ایسا کیوں کہ میری سکینہ زندان میں اکیلی ہے میری بچی اکیلی ہے میری بچی اکیلی ہے اللہ اکبر بڑا اصرار کیا بہرحال روایت کہتی ہے بہت اصرار کے بعد بی بی سوار ہوئی اب عزیزو یہاں سے اللہ تمہیں سلامت رکھے گھروں کو چھوڑتے ہو نا گھروں سے رخصت ہوتے ہو نا ہم بھی گھر سے چھوڑتے ہیں رخصت ہی کرتے ہیں عالم کیا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے کہ بار بار پلٹ کر وطن کو دیکھتے ہیں ہوتا ہے نا ماں گھر پہ ہوتی ہے باپ گھر پہ خدا حافظی کے لیے کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کچھ مہینے کام کر کے واپس لوٹیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم تکتے رہتے ہیں گھر کو گھر سے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے نا ہاں عزیزو کیوں کہ اس لیے کہ کوئی عظیم چیز ہے ہماری دولت ہے اللہ اکبر ہاں عزیزو روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ اب عزیزو اس میرے فقرے کو یاد رکھیے گا اور پھر میں روایت پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے روایت کہتی ہے جناب زینب نے جو سات دن ماتم کیا تھا شام میں اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ شام کی عورتوں نے سیاہ لباس پہن لیے تھے اور جناب زینب کو پرسا دیا کرتی تھی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب سب عورتوں نے سنا کہ علی کی بیٹی شام سے جا رہی ہے بس ایک مرتبہ زینب کی محمل کو آ کے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا بی بی ہمیں معاف کر دینا علی کی بیٹی ہمیں معلوم نہیں تھا رسول اللہ کی بیٹی ہمیں معلوم نہیں تھا آپ ہمارے وطن میں مہمان ہوئی ہم سے کوئی خدمت نہیں ہو سکی ہمیں معاف کر دینا اللہ اکبر اور کہتی بی بی اگر کچھ کام ہو تو بتا دیجئے کچھ خواہش ہو تو بیان کر دیجئے ایک مرتبہ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا عورتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا علی کی بیٹی تم سے کچھ نہیں چاہتی بس اتنا چاہتی ہے جب شب کا سناٹا چھا جائے اندھیرا چھا جائے تمہیں گھر کے کام کاج سے فرصت مل جائے ارے زندان میں آ جانا زندان میں ایک چھوٹا سا دیا قبر سکینہ پہ جلا دینا میری سکینہ اندھیرے سے وہ ہٹ جاتی ہے اللہ اکبر
अल्लाह अकबर, अजर को मिल अल्लाह। हाँ अजीज हो, आपने वतन को छोड़ा है ना, आप भी वतन से छोड़ के निकलते हैं ना। बस बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मसाइब को। रवायत ही कहती है, मैंने इन आंखों से पढ़ा है, रवायत ये कहती है कि हर बीबी इधर देखे मेरी जानिब देखे, हर बीबी जो भी जिंदान को छोड़ रही थी ना, हर बीबी ने यूं ही जिंदान नहीं छोड़ दिया है, बल्कि रवायतें ये कहती हैं कि जब तक जिंदान नजर आता रहा, बीबी सिर्फ जिंदान को देखती रही है, जिंदान को तकती रही है। अरे जिंदान का क्या ऐसा छूट गया, मैंने तारीख में पढ़ा है हुसैन ने मदीने को छोड़ा, तो जब तक मदीना दिखता रहा हुसैन मदीने को देखते रहे। मैंने तारीख में पढ़ा है सुवरा खड़ी हुई अकबर की महफिल को देखती रही, अरे जब तक अकबर की सवारी नजर आती रही सुवरा ने कुछ और नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आजीजो जब तक अलम नजर आता रहा सकीना ने किसी को नहीं देखा, और आज जब तक जिंदा नजर आता रहा बीबियां सिर्फ जिंदा को देखती रही। हाँ अजर को मिलेगा अल्लाह, कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला की। अगर थोड़ा वक्त लग गया हो, मैं बड़ी माजरत बड़ी माफी आपसे चाहता हूँ, लेकिन अजीज़ो मसाइब कहाँ पता नहीं हो सकता, पढ़ते पढ़ते रोते रोते सुनते सुनते आदमी मर जाए, तब भी जो हक के मसाइब है ना वो अदा नहीं कर सकते। बस आखिरी मराहिल में हूँ, बीबी को पुरसा दे लीजिएगा, आंखें नम कर लीजिएगा। हाँ अजीजो, रवायतें कहती हैं कि ज़ैनब सैयद सज्जाद बीबियाँ एक मरतबा काफिला चला, और चलने के बाद लीजिए साहब करबला की जानिब रवा दमा हुआ। जब ये काफिला करबला की जानिब बढ़ रहा था, तो उधर करबला के मैदान में हुसैन की कब्र के सबसे पहले जाहिर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। अब गिरिए को न रोकिएगा, मैं पहुंच गया मंजिल तक। रिवायत ये कहती है कब्र हुसैन का पहला जाहिर हजरत जाबिर कब्र पर बैठे हुए रो रहे थे कि एक मरतबा कब्र लरजने लगी, आवाज आई जाबिर मेरी कब्र को छोड़। कब्र को जाबिर ने पकड़ कर कहा मौला क्या कोई खता हो गई, क्या कोई गलती हो गई? कहा नहीं जाबिर, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अरे हुसैन नहीं चाहता कि ज़ैनब के रोने की आवाज जाबिर के कानों तक जाए। अल्लाह अकबर, रिवायत कहती है हुसैन को गवारा नहीं था, लेकिन मैं कहूंगा मौला आपकी शहादत के बाद जाबिर के कान में जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज आई, जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज जाबिर के कानों में आई। जैसे ही जाबिर के कानों में आवाज आई ना, जाबिर ने चीख कर कहा आने वालों यहाँ सवारियों से नहीं आया जाता, यहाँ पैदल आया जाता है। तुम्हें नहीं मालूम ये अब्बास की जागीर है। जाबिर ने इतना कहा कि एक मरतबा ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और कहा बेटा सैयद सज्जाद मेरा चाचा जाबिर से कहो ना फिर से बताए किसकी जागीर है। जाबिर ने चीख कर कहा यहाँ पैदल आते हैं ये अब्बास की जागीर है। ज़ैनब ने अपने आप को महमिल से जमीन में गिराया और कहा ओ मेरे जागीरदार ज़ैनब तेरी जागीर के कुर्बान। आखिरी जुमले अल्लाहु अकबर, ओ मेरे जागीरदार ज़ैनब तेरी जागीर के कुर्बान। अरे ज़ैनब पैदल चलने लगी कब्र हजरत अब्बास लरंग गई, जाबिर तूने किसे पैदल बुला लिया, तेरी तो मेरी शहजादी है। जाबिर ने कहा मौला माफ करना मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता,
मुझे माफ करना। सैयद सज्जाद आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आहिस्ता से जाबिर को कलेजे से लगाया, कहा चचा जाबिर तुमसे क्या शिकवा करना, अरे हमें तो आंख रखने वालों ने नहीं पहचाना, हमें तो आंख रखने वालों ने नहीं पहचाना। फिर जुमला कहा या जाबिर हिया होना हिया होना वल्लाह कुतिल था रजालना सुबह का अतफालना सबई था निसाना रखता खयामना। जाबिर से बोला गले लगा के मरसिया पोते हैं, कहते जाबिर अल्लाह की कसम ये वही सरजमीन है जहां पर हमारे मर्दों को कत्ल कर दिया गया, हमारे बच्चों को इसी जमीन पर ज़बह कर दिया गया, हमारी घर की औरतों को इसी जमीन पर असीर कर दिया गया, इसी जमीन पर हमारे कयाम जला दिए गए। जाबिर हमें कचा कचा दिलाया गया, जाबिर छतों से हम पर पत्थर बरसाए गए, जाबिर हम पर आग जलती हुई लकड़ी फेंकी गई। अजर अल्लाह बस आखिरी जुमले हैं। रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा ज़ैनब उलिया मकाम लीजिए करबला की जमीन पे चल रही है, लेकिन ज़ैनब कब्र हुसैन तक पहुंची हैं, किस अंदाज से पहुंची हैं, बस आखिरी जुमले हैं। रिवायतें कहती है ज़ैनब कभी गिरती थी कभी उठती थी, कभी गिरती थी कभी उठती थी, कभी गिरती थी कभी उठती थी, लीजिए गिरते उठते गिरते उठते कब्र हुसैन पर पहुंची। ताली इसको पकड़ कर कहा भैया ज़ैनब आ गई, भैया ज़ैनब जिंदा आ गई, अल्लाह हू अकबर का भैया मुझे माफ कर देना, तेरी अमानत न आ सकी भैया तुझे न रो सकी भैया। हसन के जनाजे से तीर निकाले थे लेकिन तेरे जनाजे से तीर नहीं निकाल पाई, हसन का कफन बदल दिया था इसलिए कि कफन था, लेकिन तुझे मैं खाक के हवाले छोड़ के चली गई इसलिए कि वहां ज़ैनब असीर नहीं थी लेकिन यहां असीर थी। भैया अगर सर पे चादर होती ना तुझे धूप में यूं छोड़ के न जाती। अल्लाह अकबर अरे ज़ैनब बयान कर रही थी कब्र से आवाज आई बयान सब्र करो बयान सब्र करो। लीजिए एक मरतबा ज़ैनब ज़ैनब बयान करती रही, बयान करते करते हाँ अजीजो लीजिए ज़ैनब उठी, तमाम बीवियों से कहा चलो अब कब्र हजरत अब्बास पे चलते हैं। बस आखिरी जुमला कब्र हजरत अब्बास पे चलते हैं। रिवायत कहते हैं जैसे ही कब्र दूर से नजर आने लगी ज़ैनब ने बीवियों को रोका और रोक कर कहा कब्र हजरत अब्बास पे हर मसाइब का जिक्र करना लेकिन कोई सकीना के मसाइब बयान करके न रोना, कोई कब्र अब्बास पे न कहना कि सकीना को तमाचा लगाया गया ताजियाना लगाया गया रस्सियों के बांध के कसीदा गया अरे जिसकी मछलियां